क्या दोस्तों, आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम अपडेट करने पर जो है ये सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा? क्या ये सच बात है कि अगर आप अपने आधार कार्ड में अभी के टाइम में यानी कि आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम अपडेट करने पर जो है सर्टिफिकेट अनिवार्य बताया जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो अपडेट निकल के आई है, ये जो न्यूज़ निकल के आई है, ये कौन सही है या गलत है, पूरी डिटेल से आपको बताने वाले हैं जो है ये न्यूज़ कैसे निकल के आई है और ये सही है या नहीं, और अगर है तो ये इसका पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह की जानकारी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जो ये योजना है, ये आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ या नाम बदलाना जो है आसान नहीं है, जाने इसके नियम जो है, इसके हम दस्तावेज भी बताएंगे कि ये आपको कैसे करना होता है अगर आप अपना नाम और ये सब चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा देखने को। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण जो है, ये ने जो आधार कार्ड ने जन्म तिथि और नाम अपडेट करने के जो नियम है, ये बदलाव किया गया है। इसमें क्या बदलाव किया गया है? यह बदलाव आधार कार्ड की सुरक्षा एवं प्रणामिका जो है को बनाए रखने के लिए किया गया है। तो चलिए ये जो पूरा प्रोसेस है वीडियो का, हम आपको बता देते हैं। पहले दोस्तों, आधार कार्ड से जो जन्म तिथि अपडेट करने के जो नियम हैं, ये हम आपको बता देते हैं और अपडेट जो इसमें निकल के आई है। पहली बार जो जन्म तिथि जो है अपडेट करते हैं, अगर आपका यानी कि आधार कार्ड में पहली बार जन्म तिथि अपडेट करने के लिए आपकी जो है 10वीं या मार्कशीट ये होनी चाहिए, आपको जैसे पता होगा, या किसी अधिकृत सरकारी दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपकी 10वीं जो है मार्कशीट भी होना चाहिए, या फिर आपका ये जन्म प्रमाण पत्र वगैरह ये आपका लग सकता है अगर आपको ये चेंज करवाना होता है। दूसरी जो बार जो जन्मतिथि अपडेट होती है, इसके लिए आपको दूसरी बार जन्मतिथि अपडेट करने के लिए आपका स्थानीय निकाय का बर्थ सर्टिफिकेट जो है अनिवार्य कर दिया जाता है। जब आप दूसरी बार यानी कि आधार कार्ड में ये अपडेट करवाते हैं अपनी जन्मतिथि, तो आपका जो है ये जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, ये होना ज़रूरी होता है, तो दूसरी बार में ये इसका नियम है। और नीचे आते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है नाम अपडेट करने के जो नियम होते हैं, ये तीसरी जो नियम है यहाँ पर नाम अपडेट करने में, तीसरा नाम अपडेट करने के बाद जैसे क्या होता है कि तीसरा नाम अपडेट करने पर यह जो है गजट नोटिफिकेशन जो है फेस करना अनिवार्य होता है। और इसके बाद बता दें कि गजट जो है नोटिफिकेशन आधिकारिक सरकारी दस्तावेज में ही होता है, जैसे कि सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। यह दस्तावेज किसी विशेष सरकारी निर्णय, नियम, कानून, आदेश या किसी महत्वपूर्ण सूचना की जो है घोषणा के लिए जारी किया जाता है। जो गजट नोटिफिकेशन का उद्देश्य जानता है, वो आधिकारिक रूप से सूचित करना होता है, और यह सभी सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अब आते हैं अनअपडेट के बारे में। तो अनअपडेट में जैसे आपका पता हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, पता हो गया मोबाइल नंबर हो गया, तो इसके बाद आपको जैसे हम बता दें कि आधार कार्ड में एड्रेस या मोबाइल नंबर को एक से ज़्यादा जो है बार बार संशोधित किया जा सकता है, बार बार अपडेट कर सकते हैं। नया आधार नामांकन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नया आधार नामांकन की जो है पूरी तरह से निःशुल्क रहता है और पूरी तरह से ये फ्री रहता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये जो है UIDAI की ब्रांच क्रॉस लिमिट के जो चलते इस आधार कार्ड में 5 पाबंदियां जो लगाई गई हैं, ताकि आधार कार्ड की जो प्रामाणिकता बनी रहती है, इसका जो है दुरुपयोग ना हो, और इसे नियम के जो तहत आधार कार्ड के धारकों अपने दस्तावेज को सही से और अच्छी तरह से रखने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर आते हैं नीचे, जैसे यहाँ पर दिया है एक कदम आधार कार्ड की सुरक्षा के विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिसमें आम जन जो है इन नए नियमों के जो जागरूक रखना चाहते हैं और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखना चाहते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये आसानी से अपडेट की जा सके। आधार कार्ड के धारकों को सलाह दी जाती है कि ये जो नए नियम को ध्यान में रखते हुए आप अपने दस्तावेज की जांच करें और आवश्यक जो है दस्तावेज के अनुसार ही अपडेट कराएं। जो आपके आवश्यक दस्तावेज हो तो उसके आवश्यक उनसे रिलेटेड ही अच्छी तरह से जांच करके आप अपडेट कराएं, ताकि आगे चल के आपको बार बार अपडेट न कराना पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर किसी में अलग अलग अपडेट और अलग अलग नाम, पता जो है, एड्रेस, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जो है लिखी रहती है। इसके लिए कोई परिवर्तन के पहले जो नियम है वो पहले आपको चेक होता है। तो चलिए दोस्तों, यही था, और आज इसमें जो है अनिवार्य यही है कि आपको अब करवा सकते हैं अगर आपका अपडेट नहीं है। अपडेट करने के लिए मैं आपको कहीं पास में CSC केंद्र या
कैंप वगैरह लगा हो तो उसमें जाके आप करा सकते हैं। अपने से करने के लिए आपके पास भी एक आईडी होनी चाहिए। आईडी होने के बाद आप अपने से अपने मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं। और कैसे करना है अगर आपको चाहिए कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो बना के एक दे दूंगा 6-7 मिनट का, उसमें आप यानी कि पूरा प्रोसेस बता दूंगा, तो आप कर लीजिएगा कि आपको अपडेट कैसे करना है, नंबर कैसे चेंज करना है, कुछ भी प्रोसेस हो या डाउनलोड कैसे करना है, वैसे डाउनलोड करने का, मोबाइल नंबर देखने का, ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहीं से वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।